अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर फ्यूचर अपडेट। हेलो यूट्यूब, दिस इज निशांत एके एकुस्टिक फ्लेम एंड इन दिस वीडियो विल बी रिव्यूइंग द हेनरिक्स 38C 38 इंच एकुस्टिक कटवे गिटार। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, ओवरऑल गिटार लुक के बारे में बात करेंगे, गिटार साउंड कैसे करता है, इस कॉम्बो के साथ आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती है, इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको गिटार परचेस करना होगा, इफ यू वांट टू परचेस दिस गिटार, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो दिस इज द हेनरिक्स गिटार और अनबॉक्स कर दे। सो फर्स्ट लुक में गिटार आपको ऐसा दिखेगा पैकेजिंग के साथ। इसका एक और एक बैग था बट उसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका है, ये आपके सामने हो रहा है। तो ओवरऑल पैकेजिंग अच्छी है। सो दिस इज हाउ द गिटार लुक्स। सो लेट्स सी, खोल के देखते हैं कि इसमें कुछ डैमेज या कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। तो पहले हम देखेंगे बैग के बारे में। सो ये बैग मिलता है आपको ब्लैक कलर का, एकदम बहुत थिन है, थिक नहीं होता ऐसे बैग्स इस प्राइस रेंज में, बट आपको बैग मिल रहा है विच इज ओके। सो लेट्स सी व्हाट यू गेट इन दिस बैग। सो आपको एक हेनरिक्स की तरफ से एक पॉलिशिंग क्लॉथ मिलता है जिससे आप अपना फ्रेटबोर्ड को या गिटार को ओवरऑल पॉलिश कर सकते हो। सो ये बहुत कम गिटार में होता है, सो हेनरिक्स इज प्रोवाइडिंग, सो दिस इज अ गुड थिंग। ऐसा आपको मिलेगा, एक हेनरिक्स का एक ब्रांड का नाम लिखा है यहाँ पे, एंड दिस इज द पॉलिशिंग क्लॉथ। एंड देन आपको एक स्ट्रिंग्स का सेट मिलता है, मोस्टली सब गिटार कॉम्बोज में आपको अवेलेबल होता है, बिगिनर गिटार कॉम्बोज में। सो दिस स्ट्रिंग्स EBGDA स्ट्रिंग्स का एक सेट मिलता है। एंड देन आपको एक स्ट्रैप मिल रहा है गिटार का विथ 3 picks विच इज गुड। और अनदर थिंग इज यू गेट अ स्ट्रिंग वाइंडर। सो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो व्हाट दिस इज, इसको एक स्ट्रिंग वाइंडर बोलते हैं। जब आप गिटार जो ट्यूनर होता है गिटार का, तो उसको आप जब अनट्यूनर करते हो या आप गिटार की स्ट्रिंग्स जब चेंज करते हो, सो ये यूज़ करके आप इजीली आप उसको रोटेट कर सकते हो इन एनी डायरेक्शन। आई शो एवरीथिंग। सो दैट्स इट, बैक की क्वालिटी इस प्राइस रेंज में देखा जाएगा तो आपको अच्छी क्वालिटी आप उम्मीद रख नहीं सकते। इनका मेन जो फोकस होता है वो तो गिटार ही होगा, बट आपको एसेसरीज मिल रही है, सो फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है हमेशा। सो आई कीप दिस बैक साइड, लेट्स लुक एट द गिटार। सो दिस इज द गिटार, ये नेचुरल कलर है इसका, आपको और भी कलर मिलेगा शायद, सनबर्स्ट है, एक ब्लैक भी है, सो दिस इज अ नेचुरल वन। सो इस गिटार के साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक ट्रस रॉड मिलता है जिससे आप अपनी गिटार का एक्शन एडजस्ट कर सकते हो, जो बहुत कम या मैं कहूँगा शायद ही कोई गिटार बिगिनर गिटार के प्राइस में मिलता है, आपको कोई प्रोवाइड करता है। इसका एक्शन होने की वजह से आप इसका एक्शन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सो फर्स्ट लुक इज जो मैंने आपको स्ट्रिंग वाइंडर बताया था, सो व्हाट यू हैव टू बेसिकली डू इज यहाँ पे आपको ऐसा सेट करना है एंड देन आप इसको ऐसा रोटेट कर सकते हो विद दिस। आप बेसिकली जब आप अपना नॉर्मल तरीके से आप जब करोगे तो इसमें आपको टाइम लगता है। सो ये टूल इसलिए बना है कि आप इसको कोई भी इसको ट्यूनर पे आप ये सेट कर दोगे एंड देन इसको आप रोटेट करके स्ट्रिंग चेंज कर सकते हो, जब भी करना है जैसे भी करना। सो दिस इज द गिटार, फर्स्ट लुक में गिटार बहुत ही सही लग रहा है, कोई फिनिश गिटार की ग्लॉसी फिनिश है बैक साइड पे, साइड एंड बैक का जो गिटार है फुल ग्लॉसी है इस कलर एंड इट लुक्स गुड। यहाँ पे आपको हेनरिक्स का लोगो और मॉडल नंबर देखने को मिलेगा यहाँ पे बीच में साउंड होल के अंदर। और बेसिकली इस गिटार का एक्शन बाकी बिगिनर गिटार के मुकाबले इस गिटार का एक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो वन थिंग जो मेन रीज़न होता है गिटार खरीदने का, वो बेस्ट रीज़न है कि इसका जो फ्रेटबोर्ड और इसका गैप है वो बहुत कम है। तो अभी ट्यून नहीं गिटार इसलिए ऐसे साउंड कर रहे हैं, आई हैव टू ट्यून इट एंड देन साउंड भी देखेंगे गिटार साउंड कैसे करता है। बट ओवरऑल गिटार का लुक बहुत ही अच्छा है, कोई डैमेज तो मुझे दिख नहीं रहा फिलहाल, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
तो वो पार्ट्स डैमेज वगैरह तो है नहीं, सब ओके। सो ज़्यादा हैवी नहीं है, आई गेस 1 or 2 kg का वेट होगा, ज़्यादा हैवी नहीं है। बिगिनर्स के लिए ये एक बेस्ट अफोर्डेबल गिटार है, विथ कॉम्पैक्ट, एकदम छोटा है। आप सीखने के लिए तो मुझे, जब आप अगर सीखना है आपको तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आप जब हैंड मूवमेंट भी रखते हो गिटार का, आपका जो राइट शोल्डर, इफ़ यू आर राइट हैंडेड पर्सन, आप अपना जो राइट एल्बो और शोल्डर ऐसे रखते हो गिटार के ऊपर, सो कंफर्टेबल लगेगा आपको। स्ट्रिंग्स की क्वालिटी अभी चेक नहीं की है, तो बाद में बताऊँगा कि स्ट्रिंग्स की क्वालिटी कैसी है, स्ट्रिंग साउंड कैसा करता है। इसका जो ब्रिज है वो प्लास्टिक का है, तो ब्रिज प्लास्टिक का है इसका। देखा जाएगा तो गिटार उस हिसाब से बनाया इन्होंने कि जो बिगिनर्स होते हैवी गिटार तो यूज़ करने का आदत नहीं होता उन्हें, एंड ये गिटार बहुत सेंसिटिव है कि अगर नीचे गलती से भी आपने ड्रॉप किया तो स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं। आपको केयरफुल रहना है जब आप फर्स्ट टाइम गेटिंग योरसेल्फ फेमिलियर विथ गिटार, आपको ध्यान रखना होगा कि गिटार्स आर वेरी सेंसिटिव। आपने उनको गलती से ड्रॉप किया या आप ऐसे प्ले करते हैं, आपने कहीं पर भी ऐसा इधर उधर लग जाते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ता है, गिटार्स आर वेरी सेंसिटिव। सो ओवरऑल गिटार में कोई फॉल्ट नहीं लग रहा, एकदम ठीक लग रहा है। जस्ट थोड़ा मोड़ा डस्ट है, वो मैं क्लीन करके इसको ट्यून करके एंड देन आई कम बैक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, टू आवर्स लेटर, फाइनली गिटार ट्यून हो गया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो अगर आप स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो टॉप है वो ग्लॉसी है, इसका जो बॉडी मटेरियल है वो बेस वुड का है, एंड स्टील स्ट्रिंग्स है आप इसमें आपको मिलेंगे, एंड टोटल इसमें 18 फ्रेट्स है, एक बिगिनर के लिए बहुत है। टोटल आपको 18 फ्रेट्स मिलेगा, देन इसका जो स्केल है वो 643 mm का है, एंड इसमें जो ट्यूनर्स मिलेंगे वो डाइकास्ट ट्यूनर्स मिलेंगे आपको, और इसका जो फ्रेटवुड है वो रोजवुड का है। इसका जो वेट है, जैसे मैंने पहले बताया, इसका ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट वेट है। इट्स बेस्ट फॉर पीपल लाइक हु आर बिटवीन 8 to 15, इनके बीच में जो एज ग्रुप है उनके लिए गिटार बेस्ट है, 8 to 15, 16। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू बाय दिस गिटार, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं ओवरऑल लुक की। इसका जो लुक है, अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है तो ये बेस्ट है। इसका जो फिनिश है बाकी गिटार के मुकाबले, इसका जो फिनिश है वो बेटर है। थोड़े जगह पे आपको कलर्स के थोड़े कलर्स ऊपर नीचे होते हैं, बट उतना आप इग्नोर कर सकते हो। तो बाकी कुछ इसमें गिटार में फॉल्ट अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है। सो या इसमें आपको एक ई बुक भी मिलता है गिटार के जो बेसिक स्केल्स है, जो भी एकॉर्ड्स है वो इसमें मिल जाएंगे। सो अब 18 फ्रेट्स हैं एंड कटे हुए हैं 38 इंच कटे हुए। कटे हुए से आपको क्या होगा कि आप जब लीड प्ले करते हो, बाकी प्रोग्रेस करोगे लीड प्ले करोगे, सो आप हायर फ्रेट्स पे जब आप जाओगे तो आप हायर फ्रेट्स पे इजीली जा सकते हो, ऐसे आप इजीली हायर फ्रेट्स पे जा सकते हो, क्योंकि कट अवे है तो आपका जो ये साइड का जो फ्रेटबोर्ड पे जो आपका जो फिंगर्स होते वो इजीली यहाँ पे जाएगा। जो ड्रेडनॉट गिटार्स होते वो इस साइड से भी कवर्ड होते हैं, सो आपको लीड प्ले करना उन गिटार्स पे इतना इजी होता नहीं है, इसलिए कट अवे डिज़ाइन के गिटार इसलिए बने होते कि आप जब आप लीड कुछ भी प्ले करते हो सो आप इजीली स्लाइड कर सकते हो हायर नोट्स पे। सो ऐसे दिस वन एडवांटेज विद दिस टाइप ऑफ कट अवे गिटार्स। अब इसमें हम थोड़ा सा डेमो करेंगे, साउंड डेमो, कि ये गिटार साउंड कैसे करता है। अब मैंने ट्यून कर लिया है, सो लेट्स सी व्हाट इट साउंड्स लाइक।
एक जो प्रॉब्लम होता है जब आप जब भी ट्यून करते हो गिटार को अपने, कोई भी गिटार होते हो, जब भी आप ट्यून करते हो सो आउट ऑफ ट्यून जाता रहता है बार बार, बिकॉज आप जब आप फ्रेशली आप एकदम फ्रेश ट्यून करते हो, आप रिसेंटली ट्यून करोगे अपने गिटार को, आपने नोटिस किया होगा कि बार बार आपके जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो वापस आउट ऑफ ट्यून जाते हैं स्लाइटली, एक दो माइनस, तो आपको बार बार उसे वापस ट्यूनिंग में साइड ट्यून में स्टैंडर्ड ट्यून में लाना पड़ता है। सो वही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे अभी कि साउंड जब आपको रफ साउंड सुनाई दे रहा है स्टैंडर्ड ट्यून के बाहर जाता है, दैट्स बिकॉज इवन इफ आई एम प्लेइंग समथिंग बार बार आउट ऑफ ट्यून जा रहा है, बिकॉज अभी न्यूली शायद ये ट्यून किया होगा गिटार एंड देन उसके बाद यूज़ नहीं हुआ रहेगा। साउंड में आपको सुन लिया होगा तो आपको साउंड में ऐसा लगता होगा कि और ज़्यादा लाउड होना चाहिए साउंड, बट वो लाउड क्यों इसलिए नहीं है कि गिटार छोटा है, जो उसका जो साउंड है वो भी छोटा है, और उसका जो वुड का क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बट इस प्राइस रेंज में कंपेरेबली अच्छा है। सो मुझे इस प्राइस रेंज में इसका साउंड अगर कंपेयर करे जाए तो बाकी गिटार से, तो मुझे इसका साउंड बेटर लगा है बाकी गिटार से। एंड एज अ बिगिनर आप अगर ये गिटार लेना चाहते हो सो आई वुड रिकमेंड यू, एंड ये मैं रिकमेंड करूँगा जिनकी एज ग्रुप है अराउंड 8 to 15 or 16, दे कैन टेक दिस गिटार एज अ फर्स्ट गिटार एंड देन इस पर आप प्रोग्रेस करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं और आगे सीख सकता हूँ गिटार, देन यू कैन अपग्रेड योर गिटार एंड बाय अनदर वन विच इज़ बेटर देन दिस। मैंने और भी रिव्यू किए हुए गिटार के, सो उसके प्लेलिस्ट, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल में, सो आप वहाँ से देख सकते हो और गिटार्स। इफ यू वांट टू वॉच माय गिटार कवर्स देयर इज अनदर प्लेलिस्ट, इफ यू वांट टू वॉच माय कीबोर्ड पियानो कवर्स देयर इज अनदर प्लेलिस्ट फॉर दैट एज वेल। सो या आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड इफ इट डिड प्रेस द लाइक बटन, इफ यू लव्ड इट हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच कंटेंट्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, कीप ट्यूनिंग इन।